आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की. इन ट्रायंगल एबीसी साइड ए बी इज प्रोड्यूस टू डी सो दैट बी डी इज इक्वल टू बी सी इफ एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री. प्रूफ दैट ए डी इज ग्रेटर देन सी डी. और सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है ए डी इज ग्रेटर देन ए सी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की. ओके तो देखिए ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी. अब यहां पर बोला गया है जो ए बी साइड है उसको आगे एक्सटेंड किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, आगे बढ़ाया गया है. किस पॉइंट तक? डी पॉइंट तक. ओके प्रोड्यूस्ड टू डी सो दैट बी डी इज इक्वल टू बी सी. अब देखिए इस तरीके से हमने इसको आगे बढ़ाया है कि जो बी डी साइड है वो बी सी साइड के बराबर है. इसका सिंपल सा मतलब है अगर मैं बात करूं ट्रायंगल बी डी सी की तो अगर टू साइड्स बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे. इसके बाद देखिए एंगल बी का वैल्यू है 60 डिग्री. ओके और एंगल ए का वैल्यू है 70 डिग्री और आपको एंगल सी का वैल्यू गिवन नहीं है. लेकिन आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है, एंगल सम रूल का यूज करना है. देखिए अगर दो एंगल का सम आपका 70 प्लस 60 दैट मीन्स 130 है तो आपको 180 में से माइनस कर देना है. तो आपको यहां पर जवाब मिल जाएगा 50 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके. अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने की. तो AD इज ग्रेटर देन CD आपको प्रूव करना है. तो देखिए इसके लिए आप यहां पर देखें AD साइड आपकी नीचे वाली साइड है तो इसके अपोजिट में जो टोटल एंगल होगा वो आपको फाइंड करना पड़ेगा. ये 50 है, ये आपको फाइंड करना है. ओके ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये आपको मालूम है 50 डिग्री है. CD देखिए दूसरी साइड, CD आपकी ये वाली साइड है. अब इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल ए है. तो ये एंगल ऑलरेडी आपके पास है, इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है. तो सारी बात आती है एंगल सी, यानी देखिए एंगल सी प्लस दिस एंगल. अब मान लेते हैं ये आपका एंगल एक्स है तो ये एंगल भी आपका एक्स होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स भी तो बराबर हैं. बी डी इज इक्वल टू बी सी तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा. तो बच्चों अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ट्रायंगल बी डी सी में आपको कोई भी एंगल मालूम नहीं है तो आपको क्या करना है? देखिए अगर मैं यहां पर लीनियर पेयर का यूज करूं, यहां पर देखें एडी आपकी कंप्लीट लाइन है तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये आपका 120 डिग्री होगा क्योंकि इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा. अब आपको ट्रायंगल बीडीसी में ये मालूम चल गया कि ये एंगल आपका 120 डिग्री होगा लेकिन आपको ये एंगल और ये एंगल नहीं मालूम. तो देखिए इन एंगल्स का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा. अगर हम ट्रायंगल में बात करें बीडीसी में तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा. ओके तो एक एंगल आपका 120 डिग्री है तो बाकी जो दो एंगल हैं ठीक है एक्स प्लस एक्स ओके इन दोनों का जो सम होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा. तो यहां पर अगर मैं एक्स का वैल्यू फाइंड कर लूं तो इसका मतलब है मैंने फाइंड कर लिया इन दोनों एंगल्स का वैल्यू जो कि बनता है 30 डिग्री है ना, यही तो हमें फाइंड करना था. तो ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री और ये एंगल भी हो गया आपका 30 डिग्री. अब यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि जो टोटल एंगल होगा इसका वैल्यू आप बता सकते हैं एंगल सी का 50 प्लस 30 दैट मींस 80 डिग्री. ओके ये जो टोटल एंगल होगा इसका वैल्यू होगा 80 डिग्री और एंगल ए का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 70 डिग्री. इसका सिंपल सा मतलब है इसके सामने जो साइड है यानी एडी ये लॉन्गेस्ट होगी. ओके और यही आपको प्रूव करना था, एडी इज ग्रेटर देन सीडी. आपने ये प्रूव कर दिया कि इसके सामने, इस साइड के सामने जो आपका एंगल है वो सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है. तो आपने सिंपली ये भी प्रूव कर दिया कि ये जो साइड है ये लॉन्गेस्ट है. तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे. देखिए एंगल ए का वैल्यू आपको गिवन था 70 डिग्री और एंगल बी का वैल्यू भी आपको गिवन था 60 डिग्री. इसके बाद आपने एंगल सी का वैल्यू फाइंड कर लिया, ये वाला वैल्यू ठीक है. तो यहां पर आपने यूज किया एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके तो यहां पर आपका वैल्यू आ जाता है एंगल सी का 50 डिग्री. इसके बाद देखिए हमने यहां पर अप्लाई किया है लीनियर पेयर तो एंगल सी बी डी दैट मीन्स ये वाला एंगल 120 डिग्री आपके पास निकल के आ जाएगा. किस तरीके से? ये आपका 60 डिग्री है तो टोटल आपका होगा 180 तो 180 में से मैंने माइनस कर दिया तो एंगल सीबीडी आपके पास आ गया 120 डिग्री. अब देखिए आपको मालूम था कि बीडी इज इक्वल टू बीसी है तो
ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर होगा कौन सा, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, जिसको हमने नाम दिया था एक्स। ओके, तो आप यहां पर भी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहां पर लिख सकते हैं इसका वैल्यू होगा 30 डिग्री। ओके, इसके बाद देखिए आपने निकाल लिया ए सी डी, क्योंकि आपको यहां पर मालूम चल गया ये एंगल इसका वैल्यू होगा 30 डिग्री, तो टोटल एंगल होगा आपका 80 डिग्री। अब देखिए एंगल ए सी डी आपने निकाल लिया 80 डिग्री और एंगल सी ए डी का वैल्यू आपको मालूम था। अब देखिए कौन सा एंगल बड़ा है आपका, एंगल ए सी डी, तो हमने यहां पर लिख दिया एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल सी ए डी। तो यहां पर आप बोल सकते हो जो ए डी साइड होगी वो ग्रेटर होगी सी डी से। तो जैसे ही आपको एंगल मालूम चल गया कि एंगल ए सी डी इज ग्रेटेस्ट, तो आप बोल सकते हो एंगल ए सी डी के सामने जो साइड होगी दैट मीन्स ए डी विल बी द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, तो आपने यहां पर लिख दिया ए डी इज लॉन्गेस्ट फ्रॉम सी डी। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, ए डी इज ग्रेटर देन ए सी आपको प्रूव करना है। तो देखिए ए डी के सामने, आप देखें ए डी के सामने जो एंगल है वो बनता है आपका एंगल ए सी डी। ओके, इसका वैल्यू है 80 डिग्री। बात करें ए सी की, तो देखिए ए सी साइड के सामने आपका ये वाला एंगल बनता है जो कि 30 डिग्री है, तो आपका एंगल होगा एंगल सी डी ए, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, जो कि है आपका 30 डिग्री। अब आप यहां पर देखकर बता सकते हैं कि जो ए सी डी है वो आपका ग्रेटेस्ट है, तो सिंपली आप यहां पर लिखेंगे एंगल ए सी डी इज ग्रेटेस्ट फ्रॉम एंगल सी डी ए। तो आप यहां पर लिख सकते हैं देयरफोर ए डी इज लॉन्गेस्ट फ्रॉम ए सी।